दखल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई अनुराग जी का निवेदन आया कि जो कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में है उस पर मुझे कुछ कहना चाहिए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत भयावह होती जा रही है और कुछ गलतियां तो हुई हैं, चाहे हम कांग्रेस को दोष दें या बीजेपी को दोष दें, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास कोरोना की टेस्टिंग की किट नहीं थी, उसकी व्यवस्थाएं नहीं थी, हमारे पास लेबोरेटरीज नहीं थी। हम जब संकट हमारे दरवाजे पर आ गया, जब हम संकट से चारों ओर से गिर गए हैं, उसके बाद हमने व्यवस्थाएं करना शुरू की। आप देखेंगे कि जब मार्च का अंत आ गया था, उस समय जब अचानक पॉजिटिव मरीज मिलना शुरू हुए तो मध्य प्रदेश में केवल दो जगह जांच हो रही थी, एक ग्वालियर में DRDO में और दूसरी जांच हो रही थी भोपाल में एम्स में, लेकिन धीरे धीरे लेबोरेटरियां बढ़ती गईं। आज हम 11 लेबोरेटरी में जांच कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आज भी पांडुचेरी जैसे छोटे से राज्य में मध्य प्रदेश के सैंपल भेजे गए हैं, आपने कल पढ़ा होगा विमान के द्वारा वहां पहुंचे हैं। इसी तरह से यदि देखें कि हम 7.5 करोड़ जनता है मध्य प्रदेश में, और आप जानेंगे आश्चर्य होगा आपको कि 7.5 करोड़ जनता में भी मालूम आपको कितने टेस्ट हुए अभी तक। अभी तक कुल जो टेस्ट हुए हैं वो 35,036, यानी केवल 35,036 टेस्ट हुए हैं। यदि टेस्ट ज़्यादा होते तो मध्य प्रदेश का जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो आज से 5 गुना भी हो सकता था। मैं किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी नेता को, किसी भी डॉक्टर को, अधिकारी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो उजागर करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें कुल जो टेस्ट हुए हैं अभी तक उसकी कुल रिपोर्ट आई है 26,233 रिपोर्ट आई है, यानी अंदाज लगाइए कि लगभग 8,843 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, अभी उनका जवाब आना बाकी है। उनमें कितने पॉजिटिव होंगे कितने निगेटिव होंगे ये बात अलग है, लेकिन रिपोर्ट इतना स्लो आ रही है, इतनी धीमी गति है जाँच की। एक तो जाँच बहुत कम हो रही है, उसके बाद उसकी गति बहुत धीमी है। हमें ये बात बड़ा राहत की है कि मध्य प्रदेश में 1,846 लोग लगभग पॉजिटिव हैं, आज का आंकड़ा उसमें शामिल नहीं है। आज जब मैं शनिवार को बात कर रहा हूं तब उसका आंकड़ा शामिल नहीं है, लेकिन यदि 8,000 और यदि रिपोर्ट आएंगी तो उसके बाद में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में लगभग 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़ा इसलिए ज़्यादा है कि आधे से ज़्यादा मौतें इंदौर में हुई हैं। इंदौर में जो हालात बने हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंताजनक हैं। किससे गलती हुई है, क्या हुई है, इस पर चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन हम और कैसे सुधार कर सकते हैं ये प्रशासन को देखना चाहिए। आज भोपाल कलेक्टर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उनका ये कहना है कि 90% जो मरीज हैं भोपाल में वो 50 साल के कम उम्र के हैं। ये राहत की बात क्यों है? ये राहत की बात इसलिए है कि जो 50 साल के कम उम्र के मरीज हैं वो कोरोना की बीमारी से जल्दी रिकवर कर रहे हैं, जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहे हैं, यानी 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो 10% हैं उनमें हमारे गंभीरता भी है, हमारे गंभीर मरीज भी हैं। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें इंदौर में काफ़ी गंभीर मरीज हैं। टोटल प्रदेश में 36 मरीज ऐसे हैं जिन्हें हम गंभीर स्थिति में कह सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 1508 मरीज बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ होने की संभावना है। लेकिन और ज़्यादा राहत की बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपना मंत्रिमंडल बना लिया है, नरोत्तम मिश्रा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, और 100 करोड़ की जो स्वास्थ्य विभाग में खरीदी होनी थी जिसके टेंडर भी नहीं हो पा रहे थे, नरोत्तम जी ने आकर अपने सामने बैठकर सारे अधिकारियों को निर्देश दिए और जो टेंडर की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, टेंडर खुल चुके हैं, और लगता है कि बहुत जल्दी हमको PPE किट मिल जाएगी, बहुत जल्दी हमको जो एक टेस्टिंग किट है वो आ जाएगी हमारे पास, बहुत सारे संसाधन हमको चाहिए वो मिल जाएंगे। लेकिन ये भी इसमें और गति चाहिए तो सरकार को दूसरे कामों को रोकना होगा और इसमें गति लानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सब हो पाएगा। मैं सभी दस्तक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को ये आश्वासन देता हूँ, ये भरोसा दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में चिंताजनक स्थिति जो 2-3 जिलों में बनी हुई है वो बहुत जल्दी ठीक होगी। एक राहत की बात है कि मध्य प्रदेश के आज भी लगभग आधे जिले, यानी कि 52 में से 26 जिले ऐसे हैं जहां अभी तक कोई संक्रमित मरीज नहीं मिला है। 26 जिले जो हैं उनमें से कई जिले ऐसे हैं जिसमें एक या दो मिले हैं, कई जिले ऐसे हैं जिनमें से बहुत जल्दी रिकवरी हुई है, भोपाल में बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल खत्म होते होते हम एक राहत की तरफ बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश एक राहत की ओर बढ़ेगा और मई का पहला और दूसरा सप्ताह ऐसा होगा जहां हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हमने कोरोना की चेन को तोड़ दिया। सभी को मेरा नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से
कूटनीति तक। दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।